तो दोस्तों सर्दी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक नया सीरीज आपके लिए जो है चालू किया जा रहा है। इस नए सीरीज में जो है यहाँ पे आपका जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ठीक है, ये कवर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके ALP, ठीक है, ये ALP में हो सकता आया हो, या आपका ग्रुप डी जो पहले से पेपर जो हो चुका है ग्रुप डी का होगा, या JEE CBT 1, ठीक है, JEE का जो है आपका CBT 1 या फिर CBT 2 और RPF, ये जितना मतलब अभी तक रेलवे ने मतलब अपना कंडक्ट करा चुका है एग्जाम, उन सारे का ये जो है आपका एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ये अभी जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे तो मैं आपको उसी क्वेश्चन बैंक से कराऊंगा, यानी कि मैं खुद का एक प्रिपेयर किया हूँ क्वेश्चन बैंक, वो मैं आपको मैं यहाँ से डिलीवर करूंगा, ठीक है। और ये जो आप क्वेश्चन सीरीज होगी आपको पर डे एक या दो क्वेश्चन सीरीज जो है मिलती रहेगी, और इसमें जो है आधे घंटे की ये सीरीज होगी, ताकि आपको भी ज्यादा टाइम मतलब कि ना लगे कि ज्यादा टाइम है वो, मतलब ज्यादा टाइम का ये वीडियो है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको 30 मिनट में मैं अप्रोक्स 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा, और आपका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिविजन भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यदि आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है उसके अनुसार से क्या है कि आप थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन सीरीज ही लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, यदि आपको थ्योरी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है थ्योरी भी बता दूंगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन जैसे जैसे कराऊंगा वहां पे मैं बताते भी जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे केमिस्ट्री की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फिजिक्स की बात किया जाए तो लाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और एसिड बेस भी है आपका, और फिजिक्स में भी जो है आपका जो आपका लाइट के अलावा जो है आपका मिक्सचर हो गया, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन पे हम वीडियो भी थ्योरी का बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज मैं करवा दूंगा, और जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन बैंक बनाया हूँ उसी तरह आपका भी एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मतलब कि टोटल रेलवे का, ठीक है, जिसमें कि आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। अब इस फायदा ये होगा कि ये आपका खुद का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, आपका खुद का समझा हुआ रहेगा। तो कोई भी यदि एग्जाम होता है जो कि इनकमिंग एग्जाम जो आने वाला है, जैसे कि आपका ग्रुप डी हो गया, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम मैं बता देता हूँ कि लगभग मान के चलिए कि आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और आपका जो NTPC है वो तो अभी बहुत ज्यादा ही डिले होने वाला है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम अभी मान के चलिए कि आपका रेलवे का है, और इन दोनों एग्जाम का पैटर्न जो है और सिलेबस दोनों अलग अलग है, लेकिन आपका जो है रेलवे का पूछने का तरीका जो होता है, यदि साइंस उसमें है तो साइंस का जो है सिमिलर होगा। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप ग्रुप डी की यदि बात करते हैं तो ग्रुप डी में है 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से है, ठीक है। और NTPC की यदि हम बात कर रहे हैं आपसे, यदि NTPC की बात करें तो इसमें देखिए 40 क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस है, तो मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन जो होंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन जो होगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ये आपके साइंस से रहेंगे। तो इनका जो साइंस वाला पोर्शन है वो पूछने का जो तरीका है, इनका पैटर्न जो है वो आपका सिमिलर है, क्योंकि जब आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिर अराजी जो JEE हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, चाहे ALP हो गया, तो इनका जो है आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम सिमिलर आपको लगेगा, कि बिल्कुल उसमें जो कंसेप्ट का कोई वेरिएशन नहीं होगा, बस डाटा का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि नाम जो है ALP हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे JEE हो, चाहे CBT 1 हो, चाहे RPF हो, ठीक है, इनमें क्या है कि साइंस यदि पूछेगा तो पैटर्न सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, भले आपके एग्जाम का नाम चेंज हो जाए। तो यहाँ पे भी यदि 10 नंबर का NTPC के लिए आपको तैयारी करना है तो साइंस के लिए आपको जो है यही सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। यदि ये आपके 25 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए कि ये ग्रुप डी का 25 नंबर का क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है ये वाला क्वेश्चन बैंक जो रहेगा वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन बैंक आपका खुद का होगा,
तो आप कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं, और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप सही ढंग से इसका रिवीजन करते रहे समय टू समय, और मैं जो आपको समझा रहा हूं साथ में थ्योरी में मैं बताते जाऊंगा, यदि आप इतना करते हैं तो मान के चलिए कि इसमें जो है आप मिनिमम 21 तक ला सकते हैं, और इसमें जो है 10 भी ला सकते हैं, और 10 से ज्यादा भी नंबर का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका रेलवे का साइंस पे जो फोकस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान के चलिए कि 10 से ज्यादा ही साइंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका 25, ये तो फिक्स कर दिया गया है कि ग्रुप डी में जो होगा 25 क्वेश्चन जो है आपके साइंस से पूछे जाएंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा आपका जो पूछा जाता है वो फिजिक्स से पूछा जाता है, इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग लगभग सेम ही रहते हैं उनका वेटेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझना होगा, और इसके बाद अपना प्रिपरेशन जो है चालू करना होगा। 1 से 2 वीडियो जो है लगातार आपको मिलते रहेंगे आपके साइंस पे। और यदि बात किया जाए कि आपका जो है ज्योग्राफी और आपका ये बाय लाइफ साइंस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे, वो हमारे सर जो है बहुत जल्द ही आपके सामने जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लाइफ साइंस पूरा डिटेल में चालू किया जाएगा लाइफ साइंस को, और वहां पे भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो आपको पूरे अच्छी तरह से कराएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। यदि आपको सेशन में यदि कुछ लग रहा है कि मॉडिफाई कराना है, जैसे आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए, या फिर क्वेश्चन की संख्या और ज्यादा होना चाहिए, या फिर ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव मतलब भेज सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना, इसमें मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी कराता जाऊंगा, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा ही आप ध्यान देते जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन में कवर करूंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन मतलब इस वाले टॉपिक से, इस थ्योरी से ये बन सकता है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी होगी वो हम सारा यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसका होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसका होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक आता है कंसेप्ट, वो आता है वैलेंसी की। क्या आता है आपका? वैलेंसी की। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में आप वैलेंसी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैलेंसी पे बेस्ड, और लोगों को यदि मालूम नहीं रहेगा तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सोडियम का, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 11 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यदि आप इसको लिखिएगा तो 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, 281 होता है, ठीक है। 8, 2, 10 और 1, 11। तो देखिए फिर से इसके बाद सिलिकॉन का मैं ले रहा हूँ, सिलिकॉन का कितना होता है आपका, ये 14 होता है, ठीक है। इसका जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 284 होगा, ठीक है। इसी तरह यदि हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का मैं लिख रहा हूँ, इसका कितना होता है, 13 होता है। इसका लिखिएगा तो 28 और ये आपका 3 होगा, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस की बात करता हूँ, यहाँ पे उसका 15 होता है, इसका लिखिएगा तो आपका क्या होगा, 285 होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो देखिये आउटर मोस्ट सेल में, सपोज मैं इसका ले रहा हूँ सोडियम का, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया या सेल हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है, और ये आपका थर्ड हो गया, ठीक। तो देखिए इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। इस वाले में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, 8 रहेंगे। और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम बात करूं कि इसका आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। यदि मैं इसका बात करूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगा, आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि किसका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट रहा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। यदि मैं बात करूं वैलेंसी, आप बताइए। तो देखिए वैलेंसी के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं कि वैलेंसी क्या है।
वैलेंसी जो होती है कि शेयरिंग, ठीक है, या ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, ठीक है, शेयरिंग या ट्रांसफरिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है, उसका वो क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। सपोज मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वन होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर करके आयन बॉन्ड बना सकता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखा जाए तो फोर इलेक्ट्रॉन है तो फोर इलेक्ट्रॉन वाले क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये क्या कर देगा, इसकी वैलेंसी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसका क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो देखिए वैलेंसी निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि यदि मान ले कि अप टू यदि रह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू वन, यानी कि आप मान सकते हैं कि थ्री फोर तक रहता है, यदि अप टू फोर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो आपकी वैलेंसी होगी, जो आपकी वैलेंसी होगी वही क्या हो जाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी कि जो वैलेंसी होगी वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। यानी हमें इसकी बात करूं तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो वैलेंसी भी क्या होगी, वन होगी। इसकी वैलेंसी की बात करूं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, थ्री है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, थ्री होगी। यदि मैं इसकी बात करूं वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी क्या होगी, फोर होगी। यानी कि सिंपल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे अप टू फोर तक वही उसके वैलेंसी कहलाएंगे। यदि अबव फोर हो गया, अबव फोर के लिए मैं बात करूं, यदि अबव फोर हो गया तो उसके लिए क्या हो गया, आपका जो वैलेंसी होगी, जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज यहाँ पे मैं फाइव की बात करता हूँ, इसकी यहाँ पे यदि पूछा जाए कि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, तो आप क्या लिखिएगा, एट माइनस फाइव इजकल टू थ्री, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी टाइप की यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे थ्योरी समझाते जाऊं जो भी रिलेटेड है, जो एग्जाम में मतलब कि अभी तक पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 क्रिस्ट है और आपका 10 ट्रॉफ है, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। एक सोर्स जो है वो क्या कर रहा है कि 10 क्रिस्ट और 10 आपका ट्रॉफ जो है ये 0.1 सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका आप उस वेव का जो है फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो नहीं समझा रहेगा वो गलत करके आ जाएगा या फिर उसको छोड़ के आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो है साउंड वेव है, ठीक है, ये क्या है आपका साउंड वेव है, ठीक है, ये इधर भी जाएगा, मैं पॉजिटिव के लिए हूँ। ये आप जानते हैं कि इस वाले मैक्सिमम पोर्शन को इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और आपका जो ये जो इसका मिनिमम पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको कि एक साइकिल ये यहां से यहां तक पूरा करते हैं, यानी एक साइकिल ये पूरा हुआ यहां से यहां तक, ये आपका क्या कहलाया, एक साइकिल कहलाया, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक साइकिल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, तो एक साइकिल में आप देखिए कि कितना बार आपका क्रिस्ट और ट्रॉफ आ रहा है, तो आप देखिएगा कि एक बार जो है आपका क्रिस्ट आ रहा है और एक बार जो है आपका ट्रॉफ आ रहा है। इसी तरह यदि 10 बार हुआ है तो यानी कि 10 बार क्रिस्ट आया होगा और 10 बार ट्रॉफ आया होगा, यानी कि जब आप ध्यान से सुनिए, एक साइकिल में जब एक बार आपका ट्रॉफ और एक बार क्रिस्ट आ रहा है तो 10 साइकिल में कितना आएगा, 10 बार आएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल साइकिल की बात किया जाए तो 10 साइकिल पूरा हुआ होगा। इसी तरह से 10 साइकिल जो है ये पूरा किया गया है, तब जाके ये 10 क्रिस्ट और 10 ट्रॉफ आएगा, क्योंकि एक साइकिल में एक क्रिस्ट एक ट्रॉफ आ रहा है, तो 10 साइकिल में 10 क्रिस्ट और 10 ट्रॉफ आएगा। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए 10 साइकिल जो है आपका, 10 साइकिल पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है। अब तो मैथ हो गया आपका, तो एक साइकिल को यदि कंप्लीट किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में आपको जो टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड अपॉन में 10 सेकेंड, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 100 सेकेंड। ये क्या हो गया, 1 साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 टाइम पीरियड, मतलब उसका उस वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये हमको क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है, टी। अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई
टी होता है। तो यहाँ पे यदि हम फ्रीक्वेंसी आपका टाइम है यदि रखेंगे 1/100 रखेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। देखिए चार जो होते हैं वो मेन एलिमेंट होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। ये एक तो आपका होता है जैसे कि ये चार एलिमेंट, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बाई मास देखा जाए तो वो होता है आपका एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम भी होगी और आप कॉमन सेंस से इसको मार सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे जो है आपसे बोला जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं कोवेलेंट से रिलेटेड कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सो ये आपके ग्रुप नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि अपना ये जो बॉन्ड स्टेबिलिटी जो गेन करते हैं तो ये क्या करते हैं आपका, मतलब कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। कार्बन भी बनाता है तो कोवेलेंट ही बनाता है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो किसी भी एटम के साथ यदि बनाते हैं तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम, तो ये क्या करते हैं इनका शेयरिंग की वजह से ये बनता है। और देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि Na और Cl है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस आ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड मेटल मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, तो इसमें जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखिए आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। ये देखिए बोला जा रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें कौन है, तो देखिए रिटार्डेशन हो गया, डी एसिलेशन हो गया, निगेटिव एसिलेशन हो गया, ये जो है तीनों का तीनों एक ही सेंस देता है। रिटार्डेशन और आपका डी एसिलेशन क्या होता है कि ये आपका मंदन एक तरह से, जैसे कि आपका आप जब गाड़ी चालू करते हैं तो क्या होता है कि आप एसिलेटर देते हैं एसिलेशन, तो आप बराबर एसिलेटर को ज्यादा आदि करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव एसिलेशन हो गया, यदि आप कम कर रहे हैं एसिलेशन को तो वो क्या हो गया रिटार्डेशन हो गया, यानी कि एसिलेशन को कम करना वो बेसिकली क्या कहलाता है रिटार्डेशन कहलाता है, यानी कि एसिलेशन जो हो रहा है यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम इंटरवल में, तो वो यदि पॉजिटिव होता है, सपोज ये मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसिलेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी, ये आपका मैथमेटिकल आपका अप्रोच होता है। यदि ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एसिलेशन, यदि ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं या डिएसिलरेशन बोलते हैं या निगेटिव एसिलरेशन बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही सेंस देते हैं, ये वाला जो है इनसे अलग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एसिलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज योर प्रोडक्ट पावर एंड टाइम, इट्स यूनिटी डब्ल्यू एंड एस किलो वाट, व्हाट इज इट कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए आपको मालूम है कि आप वाट और ये आपका सेकेंड या आपका किलो वाट आवर, तो ये आप जो है इनर्जी को ही, ये आपका किलो वाट आवर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो खपत होती है, यानी कि जो यूनिट आता है वो आपका 1 unit = 1 kWh होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, सिंपल सी यही एक है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है इन ब्लास्ट फर्नेस
आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाई, तो देखिए ये जो आयरन होता है आप, तो ये आपका जो है आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा तो ये मिडिल पोर्शन में आता है आयरन, ठीक है। तो जितने भी आपके जो मिडिल वाले एलिमेंट आते हैं, जैसे आयरन हो गया, इसके बाद जिंक हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, तो इनको मेटल ऑक्साइड से ओरिजिनल मेटल को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ये आपको जो है जहां पे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि जो आपके हायर रिएक्टिविटी सीरीज में जो रहते हैं एलिमेंट उनको किस तरह से हम लोग मतलब कि एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल, मिडिल वाले को कैसे करते हैं और आपके जो है लोअर वाले को कैसे करते हैं। लोअर वाले तो आपके जो है क्रस्ट में ही होते हैं, ठीक है, फ्री कंडीशन में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, लेकिन ये सब जो है फ्री अवस्था में नहीं होते हैं, तो इनको जो है निकालना पड़ता है। तो उन निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे जो है आपका ये ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं, ये जो हो गया जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, तो इन ऑक्साइड से ओरिजिनल फॉर्म, जैसे आपको यहाँ पे आयरन की बात की जाए तो आयरन को निकालने के लिए हमको उसमें क्या मिलाना पड़ता है, एक जो है एजेंट मिलाना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, तो हम लोग कार्बन यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, यही चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल नॉट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा तो कौन जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे बेकिंग सोडा की बात किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, CO3। यदि आप HCl यहाँ पे एक कोई एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए ये आपका क्या देता है, NaCl देगा, इसके बाद CO2 देगा और H2O देगा, ठीक है। इसी तरह मार्बल और आपका लाइम स्टोन भी यही देते हैं, यानी कि ये तीनों जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल जो है इनसे बाहर निकलता है वाटर। लेकिन लाइम वाटर या लाइम की बात किया जाए तो देखिए ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक है। जब आप HCl से ये रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड देगा और इसके बाद जो है ये आपका वाटर जो है बाहर निकालेगा। सिंपल सी इसकी बात की जाए तो ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। तो अब जानते हैं आप कि बेस और एसिड यदि बात किया जाए, यदि आपस में यदि रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, तो ये आपका साल्ट बनाते हैं और ये आपका वाटर बाहर निकलता है। तो सिंपल कौन नहीं देगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका लाइम वाटर हो जाएगा। लाइम वाटर का जो है फार्मूला ये होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझे होंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका रदरफोर्ड है, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ, तो आखिर जो आपका रदरफोर्ड या रदरफोर्ड के लोग बोलते हैं, तो वो उनका जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली किस चीज का डिस्कवरी किया था, तो उनका देखिए प्रोटॉन तो पहले भी हो चुका था, न्यूक्लियस की खोज जो किया गया था वो किसके मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था, तो वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था। इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि थ्योरी आप याद रखिएगा, इस थ्योरी से मतलब कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट है, तो बेसिकली क्या है कि ये आप देख रहे हैं एक गोल्ड एटम है, बहुत मतलब गोल्ड एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे ये एटम है, वो गोल्ड के ही गोल्ड एलिमेंट के ही सारे एटम है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो कि आपका पॉजिटिव इन नेचर होता है, इसको जो है इनके थ्रू जो है पास कराया जा रहा है, तो इसमें आपको तीन चीज देखने को मिल रहा है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है डायरेक्ट जो है आपके ये इनके जो एटम है उनसे बाहर निकल जा रहे हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, कुछ पार्टिकल्स जो कुछ आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि ये क्या हो रहे हैं कि आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं कुछ डायरेक्शन के, कुछ जो हो रहे हैं कि आपका 180 डिग्री, जैसे ये वाला, तीन चीज इसमें ऑब्जर्व कीजिए, एक तो डायरेक्ट पास हो जा रहा है ये वाला, एक जो है आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और तीसरा जो है यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट तीनों के तीनों जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या बताते हैं, पहला तो ये बताता है कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस हैं, मतलब खाली जगह है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है आपका क्या है सीधे बाहर निकल चुकी। इसके बाद यदि बात करते हैं ये वाला जो कि आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है किसी एक स्मॉल एंगल पे, ये आपको ये बताता है कि इसके अंदर, ठीक है,
कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है जो जिसकी वजह से हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तीसरा ये बताता है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर में जो है आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, जो कि मतलब कि ये पॉजिटिव आपके पार्टिकल्स अल्फा के साथ ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है 180 डिग्री। तो इस तरह से इसका जो नाम दिया गया ये पॉजिटिव चार्ज, जहां पे कि पूरा आपका एटम का मास ही मतलब कि निहित रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो सबसे बड़ा मतलब कि खोज हुआ वो हुआ था न्यूक्लियस का, ठीक है। ये किसने किया था, तो ये आपके रदरफोर्ड ने किए हुए थे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आप लोग यहां पे कर सकें, ठीक है, और मैं थ्योरी भी जो है आपको जो है यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितना भी हो सके शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको चाहिए ज्यादा थ्योरी तो आप बता दीजिएगा, उस पे मैं थ्योरी पे मैं को मतलब कि एक लेक्चर दो लेक्चर या जितना भी लेक्चर यदि आपको चाहेगा वो मैं बना दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा कंसेप्ट भी देता जाऊं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका एक साथ में कवर होता जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपसे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें कि एक सेम यूनिट का अंतर आता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक बात करता हूँ, एल्केन, ठीक है, ये क्या है आपका एल्केन हो गया। इसके मैं बात करता हूँ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन की बात करता हूँ, और एक होता है एल्काइन जो कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका जो फार्मूला होता है नॉर्मल फार्मूला वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसका यदि बात करते CnH2n+2 होता है, और इसका यदि बात करें तो क्या होगा आपका CnH2n, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बेसिक मतलब कि ये फार्मूला होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन का। इसी के अनुसार आप कार्बन का नंबर ये बताता है कि आप कितना रखिएगा तो क्या बनेगा। जो एल्कीन का फर्स्ट सीरीज चालू होता है वो आपका CH4, यदि सी यानी कि 1 लीजिएगा तो यहाँ पे 1, एन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 ये है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग हो गया ये CH4 यानी मेथेन हो गया। इसका देखिए जो फर्स्ट होता है वो इथीन होता है सब, और उसका फार्मूला क्या होगा इथीन का, देखिए सी यहाँ पे क्या लिखिएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2-2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल यहाँ पे ये बचेगा, तो यहाँ पे C2 और 2 यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो इथीन का होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका फर्स्ट एल्कीन का जो होता है वो क्या होगा एथीन होगा। अभी एल्काइन की बात किया जाए तो इसका भी क्या होता है आपका C2, और यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा इथाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन, इन और आइन ये 2 जो होते हैं प्रीफिक्स होते हैं, उसी के बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है। तो मेथेन, इथेन और यहाँ पर इथाइन, तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट होता है इस होमोलोगस सीरीज का वो क्या होता है एल्काइन का, वो क्या होगा एथीन होगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है एथीन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एथीन होगा। अब देखिए होमोलोगस सीरीज की बात करें तो देखिए हम ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप जो है इसको आगे बढ़ाइएगा, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इसके बाद तो एक के बाद आप देखिएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, और आप मुझको बताइएगा कि इनके बीच होमोलोगस सीरीज के बीच जो है कितने यूनिट का अंतर आता है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखिए मैं आपको बताया था dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन एक्सीलरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आपका इनर्शिया होता है, ठीक है। कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यदि कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, तो उसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है
कि जो आपका बस स्टार्ट होता है सडनली, तो जो पैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं पीछे की तरफ, मतलब तो थोड़ा उनको झटका लगता है, तो ये किसका होगा एग्जांपल, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ का होगा। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट की बात किया जाए तो ये आपका किसका एग्जांपल होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल होगा। तो ये जितने भी एग्जांपल है ये सारे एग्जांपल आप अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि ऑक्सीडाइज मतलब किसका हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन दिया गया है उसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका होने रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और एक जो होता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और इस वाले में रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, ये क्या होता है आपका ये रिमूव किया जाता है, ठीक है, यानी हटाया जाता है, तो वो उसमें रिडक्शन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात किया जा रहा है तो किसमें जो है ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, तो यदि आप इसको देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये देखिए इसके साथ ऑक्सीजन का एडअप होकर ये क्या बन हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो सिंपल यदि ऑक्सीडेशन की बात किया जाए तो किसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। और भी सारा परिभाषा होता है तो वो सब हम लोग थ्योरी में देखेंगे, यहाँ के लिए इतना जो हम बता रहे हैं थ्योरी, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि ये आपका एसिड बेस से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब ब्लू लिटमस जो है रेड लिटमस में चेंज हो रहा है, तो ये मतलब कौन कर सकता है, तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है एसिड और बेस का, पहले वो आप समझ लीजिए। एसिड जो होता है टेस्ट में क्या होता है आपका सावर होता है, और ये ब्लू लिटमस को क्या करता है रेड लिटमस में चेंज करता है। यदि बेस की बात किया जाए तो ये बिटर इन टेस्ट होता है, और ये कलर जो होता है लिटमस को वो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है ब्लू में करता है, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक हो गए, ये आपके कुछ ये भी पूछे जाते हैं जो आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस को बताते हैं, तो उसके भी एग्जांपल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए आपका जो लीचेन है, आपका जो ये लिटमस है जो कि लीचेन से निकाला जाता है, तो ये भी आपका एक नेचुरल आपका ये सोर्स है बताने का, मतलब कि इंडिकेटर है आपका एसिड और बेस बताने के लिए। उसी तरह आपका टर्मरिक भी है, ये भी आपका एक अनदर जो है इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर, तो ये दोनों जो है आपके क्या है नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसका भी एग्जांपल आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस में चेंज हो रहा है, तो ये कौन करेगा, ये एसिड करेगा, और इसमें से एसिड कौन है आपका विनेगार है, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है C3COOH, ठीक है, तो ये आपका एसिडिक एसिड भी इसको बोलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो पूछा जा रहा है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है द वर्ड एक्वास इज रिटेन इफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज एन, तो देखिए जब सोल्यूशन ऑफ वाटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्वास सोल्यूशन बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब सेटिंग होती है उसकी, तो उस समय क्या होता है, तो देखिए हीट तो निकलता ही निकलता है, साथ में उसका मास जो होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, तो हीट और मास दोनों जो होते हैं आपके क्या होते हैं एक्सपांड करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए कैसे बनता है कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है यानी कि CaSO42H2O, ये आपका क्या होता है जिप्सम होता है, जब आप इसको हीटअप करते हैं तो क्या हो जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है आपका ये हाफ H2O हो जाता है, और इसके बाद जब ये सेटिंग होता है तो क्या होता है कि मास का एक्सपांड होता है और हीट इससे बाहर निकलती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन द वन मोल ऑफ द सबस्टांस इज कॉल्ड, देखिए ये सिंपल जो है आपका आप जानते हैं कि जो आपका वन मोल होता है, तो वन मोल क्या होता है आपका वन मोल जो होता है वो क्या होता है कि 6.022 × 10³, ठीक है, ये आपके इतने एटम होते हैं या पार्टिकल्स बोलिए इसको, या आप इसको पार्टिकल्स या आयन बोलिए, ये इतने जो है नंबर ऑफ
एटम पार्टिकल्स और आयन होते हैं। तो ये जो है आपको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हेट्रोजीनियस और आपका होमोजीनियस क्या होता है। तो देखिए हेट्रोजीनियस क्या होता है मिक्सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जैसे वाटर हो गया और आपका ये वाटर हो गया और आपका जो शुगर हो गया, इनका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, ये होमोजीनियस कहलाता है। होमोजीनियस कहने का मतलब कि इसके जो आपके जो सॉल्यूट हैं, जो इसमें घुले हुए हैं सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो उनके पार्टिकल को आप जो है आंख से, नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन ऐसे जैसे कि आपका वो हो गया साल्ट हो गया, और साल्ट में जो है आप शुगर मिला दीजिए, साल्ट और शुगर का जो है एक मिक्सचर बनाइए, तो इनके पार्टिकल क्या होंगे, आप इसको अच्छी तरह से अपने आंख से देख सकते हैं, तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही, मतलब कि उतना छोटे छोटे नहीं होते हैं जितना कि आपके होमोजीनियस के पार्टिकल होते हैं। तो इस तरह से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपका डिफरेंस है, आपके जो है पार्टिकल के आधार पर किया जाता है ये। तो यहाँ पे जो है होमोजीनियस आप समझ सकते हैं कि होमोजीनियस में क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिसको आप जो है अपने खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस होते हैं, इनके जो पार्टिकल जो घुले हुए रहते हैं पार्टिकल्स, वो जो है उतने छोटे छोटे नहीं होते हैं, उनको आप जो है इजिली देख सकते हैं अपने खुले आंख से। तो वो उसी टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका जो है पूछा जा रहा है कि आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम इज नोन एज। तो देखिए ये जो होता है सस्पेंडेड में होता है, यानी कि जो सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल पूरा, मतलब मीडियम में क्या होते हैं वो, मतलब कि मूव करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन में होता है, उसी तरह कोलाइडल होता है, ठीक है, इसके बाद सोल्यूशन होता है। तो ये सारा चीज थ्योरी का पार्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ा ही बता रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी में आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा, इसमें थोड़ा थोड़ा का बस अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखिए यही चीज मैं यहाँ पे मैं थ्योरी में बताया हूँ, तो एक बार आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये उसकी प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ से, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, देखिए ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं, तो जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एसिड इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं आपके, एसिड इन नेचर होते हैं। यहीं पे यदि बोल दिया जाए कि ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो वो क्या होते हैं आपके, बेसिक इन नेचर हो जाएंगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, कभी कभी आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल भी पूछ सकता है जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, और यदि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल पूछा जाए तो वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये दो चीज, दो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं इस आपके क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पे ब्रेक करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में जो है मैं सोचूंगा इससे ज्यादा कराऊं क्वेश्चन, ठीक है। मैं अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेंट है जो कि 0.5 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर नहीं है, और फिलामेंट जो है यहाँ पे जो दिया गया है कि मतलब 10 मिनट के लिए वहां पे फिलामेंट के थ्रू पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितना फ्लो होगा इस समय में 10 मिनट में। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप देखिएगा आई इजकल टू क्या होता है आपका, तो क्यू बाई टी होता है, ठीक है, ये चार्ज है आपका। तो यहाँ पे क्यू चार्ज पूछा गया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आई को यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आई कितना दिया है, 0.5 दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। 10 मिनट को आपको किस में चेंज करना होगा, सेकेंड में। ये टाइम जो होता है कितना होता है, सेकेंड में होता है, सेकेंड यानी कि आपका 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 300 आपका कूलम हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अपने तरफ से मतलब की कोशिश किया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे सकूं कम टाइम में,
और थ्योरी के लिए जहां तक रहा तो आप अपना जो है जो आप मतलब अनुभव होगा वो बताइएगा, उसके अनुसार मैं मतलब कि थ्योरी का भी क्लास चालू कर दूंगा और ये क्वेश्चन सीरीज जो है लगातार आपकी चलती रहेगी। तो आप अपना टाइम निकाल के इस क्वेश्चन सीरीज को देखते रहिए ताकि आपका भी एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए, जितने भी रेलवे अभी तक एग्जाम कराई हुई है ताकि आपके पास भी एक क्वेश्चन सीरीज रहे और आप जो कभी भी जाए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्जाम में अपियर हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी भी टाइप का सुझाव यदि आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उस पर विचार हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।